अभी एपिसोड देखने का है ये पापड़ पोल शाहबुद्दीन राठौड़ की रंगीन दुनिया। हाँ बोलो दादी बोलो। मेरी हाँ हाँ पता है, आँख बंद होने से पहले क्या चाहिए? नहीं नहीं मैं तो कह रही थी मेरी कोकी आ गई। दादी अब तेरी कोकी जाने वाली है। अच्छा तो वापस आए तो मेरे लिए बाम लेके आना। दादी ओहो मेरी भोली दादी, मैं उन्हीं के घर जाने की बात कर रही हूँ। उसका नाम बलमा है ना? हवे बलम जी तो उनको मैं बुलाती हूँ। दादी तुम्हें फोटो दिखाऊं? रहने दे, मैं कल उसे मिली थी। लड़का बोलने में बड़ा मीठा है पर दिखने में। दादी तुम कितनी खुश नसीब हो तुम्हें पता है? कितने करीब से देख लिया हीरो लड़के को। हीरो? माँ ये विनय चल। दादी माँ जय श्री कृष्णा। हाँ मधुमक्खियां बगाई तो हीरो ही हुआ ना। घमंड तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, है ना? नहीं है पर किस बात का घमंड होगा? क्या दादी तुमने उसकी फिल्म नहीं देखी ना इसलिए तुम बोल रही हो? वो बहुत मशहूर है। कल जो लड़का आया था वो पिक्चर में काम करता है। कमाल है, हमारे जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थे फिर भी हीरो इससे सुंदर दिखते थे। आजकल क्या जमाना आ गया है। दादी कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है उसका पूरा खानदान फिल्मों में काम करता था। अरे उसके दाद दादा सभी लोग बड़े बड़े हीरो थे। क्या मतलब बाप दादा सभी लोग? अच्छा हमारे देश में कब आए थे ये लोग? दादी तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, जाओ मैं बात नहीं करती। सुन कोकी इस लड़के की बात जाने दे, मेरी आंख बंद होने से पहले तू कोई भी अच्छे लड़के के साथ शादी कर ले। तो ये लड़का क्यों नहीं? दादी तुझे पता है जब मैं कहती थी कि मुझे हीरो जैसे लड़के से शादी करनी है तब सब मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज जब हीरो खुद मुझसे शादी करना चाहता है तो तुम मुझसे कह रही हो कि उससे शादी नहीं करूं मैं? क्यों? कोई जवाब नहीं। कौन हीरो? कहां का हीरो? कौन देखता होगा इसकी पिक्चरें? કેમ છે મજામાં? હે અરે કહાં દેખ કે ચલ રહા ભાઈ? કહાં નહીં મનુ, કિસે યે પૂછ કે કિસે દેખ કે ચલ રહા હૈ? યહાં તો કોઈ નહીં હૈ। અરે ક્યા હો ગયા તેરે કો મનુ? હે આસમાન મે કેસે ઇન્દ્રધનુષ ચમક રહા હૈ? ઇન્દ્રધનુષ? इंद्रधनुष नहीं है, किसी के छत पे साड़ियां लटक रही है। और ये फूल और भावरे नहीं है, ये किसी ने डाल डोगली फेंकी ऊपर से कोकम पड़ा हुआ है। क्या हो गया तेरे को मनु? जरा मेरी नजर से देख। सांभळियो क्या कैसे कोयल कू कू कर रही है? कोयल कुकू? हाँ देखा। देखा नहीं सुना। देखा मींस के सेम। कोकिला अगर ये कोयल है तो पक्का इसका साइलेंसर फटा है। गया पापड़ पोल। तो मित्रों भावना को बाहर भेज के मेरे घर की दूसरी चाय पीते हुए
मुझे आप सब से ये कहना है कि हम सब दोस्त यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अरे यार बटो, ये पोल की मीटिंग थोड़ी जो भाषण देने के लिए खड़े हो गए हो। हमको पता है हम लोग यहाँ पर क्यों मिले हुए हैं? हाँ, अरे हम तो यहाँ एक मिनट मनु, जिस तरीके से तुमने मेरी बात काटी वो बराबर नहीं है। बराबर बराबर क्या है, बराबर है कि बराबर नहीं है? जीवला, तुझे कितनी बार समझाया है, तू सिर्फ सुन, बोल मत। बराबर। ओ बराबर। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम बराबर हो, लेकिन हम यहाँ विनय की वजह से इकट्ठा हुए हैं। विनय तो कोकिला के नाम की माला जप रहा है, दिल दे बेटा है विनय कोकिला को। हाँ, और उस तरफ कांता काकी ने नक्की कर लिया है कि वो किसी भी हालत में कोकिला को घर में आने ही नहीं देगी, क्योंकि वो कोकिला से नफरत करती है। यहाँ पे नफरत करती है और वहाँ पे अपना विनय चंद कोकिला के प्यार में पड़ा है। खड़ा है? पड़ा है। अरे 35 साल की उम्र में वो 17 साल के लड़के के जैसा पागल आवारा दीवाना बन के घूम रहा है। हाँ, विनय भाई का हाल देखकर तो लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ तो क्या करें? अरे मुझे क्या पता, वही तो सोचने के लिए मिले हम लोग। हाँ, सच कहो तो ये प्यार बहुत तकलीफ देता है। पता है, एक बार मुझे भी प्यार हुआ था। हाँ? अच्छा? हाँ। और तकलीफ किसे हुई थी? हाँ? अरे हम अपनी कहानियां बाद में सुनाएंगे, पहले ये सोचे कि विनय भाई की समस्या का क्या करें। लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात तो ये है कि विनय भाई को प्यार हो गया है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता तय हो जाए, वरना वो कोकिला वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या नहीं है? पसंद नहीं है। हाँ। क्यों? अरे जिसके पिता इतने कड़वे स्वभाव के हो, उसकी बेटी कैसी होगी? ना हो अबे, ऐसा जरूरी नहीं है कि माँ बाप जैसे हो, बच्चे भी वैसे ही हो। अब तुम्हारे ध्रुव को ही ले लो, कितना होशियार है, क्यों है ना? एक मिनट, मैं मेरे इनको बोलती हूँ। इनको यानी कि इनको? मेरे इनको, कि उनको फोन करके समझाए। उनको यानी कि इनको? उनको यानी चंदूलाल को फोन करके समझाए कि विनय भाई भले इंसान है, उनको ऐसे नकारे नहीं। हाँ हाँ, मैं जाकर कांता काकी को समझाती हूँ कि वो खुद जाए परनाला और वहाँ जाकर देखे कि कोकिला कितनी बुरी लड़की है। बराबर ना? अब दक्षा, वो क्या है ना, तुम्हारे समझाने का तरीका बहुत कठिन है। हा? हाँ हाँ हाँ, शायद कांता काकी को समझ में ही ना आए। हाँ, और इतनी सी मामूली बात तो भावना और हितल भी जाके बोल सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, रंजित बा, तुम जाके घनू बा को बोलो कि वो चंदूलाल को फोन करके समझा दे। हाँ, और मैं और भावना जाके कांता काकी की परनाला जाने की तैयारी कर देते। हाँ, और मैं कहाँ जाऊँ? धक्सा, तुम है ना वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठो। हाँ, हम में से किसी को कोई भी तकलीफ होगी ना तो हम तुम्हें वहां बुला लेंगे। हाँ, बस इस बार तो विनय भाई के मन की बात हो जाए, और क्या चाहिए? आज सुबह की ही बात लो, मैं ध्रुव को पढ़ा रहा था कि बारिश कैसे होती है, वहां विनय चंद आ गया और फिर मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो ध्रुव को पढ़ाने लगा। क्या? रियली? हाँ, मींस के बादलों को जब पृथ्वी से मिलने का मन होता है तब बादल बरस पड़ते हैं। अरे बच्चे, प्यार में ऐसे ही होता है मेरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भूल गए क्या, जब तुम प्रेम में पड़े थे तो कैसे लव लेटर लिखते थे? लव लेटर? हाँ। क्या बटक, क्या सुन रहे हैं? क्या है? अरे नहीं भाई नहीं, मैं ढेरा गणित का शिक्षक, मैं कहाँ से प्रेम पत्र लिखूंगा। हाँ तो गणित में ही तो लिखते थे। क्या बात कर रहे हो, क्या लिखता था? सुना बटू कहना गणित का टीचर है तो गणित में ही लव लेटर लिखता था। अरे भैया, लिखे होंगे कभी किसी जमाने में ऐसे पत्र, लेकिन उसका अभी क्या है? फेल हो गया था अपना ये गणित का मास्टर, 100 में से 2 नंबर भी नहीं मिले थे। ये आप लोग सब हंसना बंद करो और मेरी भावना समझो। अरे और कितना समझे भावना भाभी को, हर चीज दो बार रिपीट करके समझा ही देती है। लाभू तू तो चुप ही रहना, तू प्यार में कितना पागल होता था ये कोई मुझसे पूछे।
नहीं नहीं क्यों पूछना है, क्यों पूछना है? नहीं नहीं मैंने पूछा, चल पूछा पूछा पूछा, बता बता। ये जब सिंगल था, अरे सिंगल का वो तो बचपन से ही डबल है। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, ये जब कंवारा था तब किसी अंग्रेज टूरिस्ट लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उस वक्त ये नाड़े वाला लहंगा भी सस्पेंडर डाल के पहनता था। सस्पेंडर और नाड़ा दोनों साथ में। अरे टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, हम तो यहाँ विनय की बात करने आए ना। विनय क्या करना है और काकी क्या करेंगे? अपना जो विनय है ना, इसके जीवन में सारी चीजें लेट ही होती है। अब 17-18 साल की उम्र में जो दीवानापन ठीक लगता है वो इस उम्र में नहीं लगता, बराबर? विनय समझेगा नहीं, विनय प्यार में पड़ा है और प्यार में आदमी रोता है, या तो थोड़े दिन हंसता है फिर जिंदगी भर रोता है, लेकिन समझता कभी नहीं। तो कांता काकी को समझा देते। अरे कांता काकी तो जिद पर अड़ी है, तो नहीं समझाते तो चलो चलते हैं फिर। अरे कहाँ जा रहा है भाई, जिस समस्या के लिए इकट्ठा हुए उसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। अरे बिठाना इसको, जीवला दूध खत्म हो गया है तो फिर चलो निकल दे। अरे 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 क्या पढ़ता, अरे अरे क्या करता रहता है घर में, दूध नहीं और मिठाता है। જ્યારે વાગવું જોઈએ ત્યારે વાગતું નથી। કાંતા કાકી, કાંતા કાકી, હમ લોગ બેગ લેકે આયે હો આપકે લિયે, વ્હીલ વાલા બેગ, સરસ। પર ક્યું? અબ ક્યુંકી કાકી હમારે ઘર મે બામ ખતમ હો ગયા હે। ક્યા ખતમ હો ગયા હે? બામ। હા યે બામ યે બેગ મે કુછ સમજી નહીં। હા કાકી મેં સમજાતી હું, વો ક્યા હે ના કી આપ ઓર કાકા જબ ભી કહીં બહાર જાતે હો तो काका हमेशा बैग उठा कर लेके जाते हैं, क्योंकि आपके बैग में तो व्हील ही नहीं है ना। क्या नहीं है? क्या नहीं है? हाँ? अरे क्या माम करो छो काकी, व्हील नहीं है। हाँ। अच्छा टायर। हाँ। हाँ? हाँ, तो उसकी वजह से काका को बैग उठाना पड़ता है। बैग उठाते हैं इसकी वजह से काका के कमर में दर्द उठता है और उसकी वजह से वो भावना के पास से बाम मांगते है। लेकिन काकी अभी बाम खत्म हो गया है। हाँ, हाँ तुम्हारा बाम हमने ही खत्म कर दिया है ना। काई बांधो नहीं है काकी, कितना ख्याल रखते हो तुम हमारा। कहीं पर काकी, चलो। अरे हाँ? ये बैग आज क्यों लाए? अरे क्या कल आपको जाना है ना काकी। हाँ? तो इसके अंदर टिफिन काका का शॉल सब सामान आ जाएगा आपका। अरे कल हम कहाँ जा रहे हैं? पर ना ना वो कोकिला ने विनय भाई को देखा ही नहीं है ना, तो उसके पिताजी ने कहा कि फिर से आना। क्या कहा? फिर से आना। हाँ। तो मैं तो कहती हूँ काकी फटाफट कल ही चले जाना है। जिस लड़की ने देखे बिना मेरा विनय का अपमान कर दिया मैं वहाँ क्यों जाऊँ? नहीं जाना मुझे परनाला। अरे काकी क्या माम करो छो, विनय भाई की शादी तय करने जाना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी आपने जो ये कसम ली है अन्न जल का त्याग करने की, उसका क्या? 11 दिन ही बचे है उसमें, हम क्या आपको ऐसे भूखे प्यासे रहने देंगे? अन्य जल का त्याग क्या, अगर मुझे दुनिया भी त्यागनी पड़े तो भी मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हाँ कह दे। अरे काकी ऐसा मत बोलो, गनु भा तो कह रहे थे कि वो इस बार परनाला जाने के लिए अपनी खुद की गाड़ी भेजेंगे। तो गनु को कह दो नहीं जाना मुझे परनाला और नहीं चाहिए मुझे कोकिला। हाँ अब, अब, काकी काकी सांभो तो ये सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। किसे डांट रही हो? अरे काकी देखो ना ये 25 रुपए की फोटो में मेरे 7,000 के कंगन तो दिख ही नहीं रहे, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी उस फोटो वाले ने। अरे इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई है, गनू कहाँ है? वो हमारे 4.5 लाख की गाड़ी के ड्राइवर को ढूंढने गए, वो आप लोग को परनाला जाना ना इसीलिए। अरे तो जल्दी से उसे फोन लगा और रोक, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। क्यों काकी ड्राइवर की जरूरत क्यों नहीं है? गाड़ी क्या जयंती काका चलाएंगे? नहीं हम हमारे ड्राइवर को 5,500 की पगार देते हैं तो गाड़ी वही चलाएगा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी और नहीं चाहिए तुम्हारा ड्राइवर, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? काकी मैं जानती हूँ कि आप क्यों मना कर रही हो, आप यही सोच रहे हो ना कि क्या 2,000 रुपए का पेट्रोल जलाकर हम वहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं काकी विनय भाई पर हमारा भी हक जमता है कि नहीं, तो आप बेसो में मसाले वाली चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं चाहिए चाय और नहीं जाना मुझे परनाला, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम जल्दी से गनू को फोन लगाओ। लेकिन काकी परनाला क्यों नहीं जाना,
उन्होंने तो विनय भाई को फिर से बुलाया ना। देखो रंजन, मेरी बात ध्यान से सुनो, उस लड़की को देखने अब हम कभी नहीं जाएंगे, और अगर फिर से किसी ने कोकिला को मेरे घर की बहू बनाने की कोशिश की ना, तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। नहीं काकी, प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, अभी एक प्रतिज्ञा खत्म हुई नहीं, अब दूसरी कहाँ ले रही है। अब मैं अभी फोन करती हूँ। लेकिन अचानक तुम्हारी जोड़ी जम कैसे गई? कैसे मिली कोकिला तुमको? पोस्टर है। अरे लेकिन पोस्टर के अंदर कौन है? कौन है? माधुरी वेन दीक्षित बोल। दिखी दिखी। जीत्या, मेरी शादी तय होने में ना माधुरी वेन का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, कैसे? अरे माधुरी वेन दीक्षित ने मुझे बोला था कि इस दुनिया में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, बोल, खाली जोड़ीदार मिलने की देरी है। सच? ऐसा कहा था? मींस के अभी इतनी बड़ी हीरोइन मेरे से झूठ थोड़ी बोलेगी है। विनय, तुम्हारी तो माधुरी बहन से पहचान हो गई है ना? एकदम डायरेक्ट अन्य सॉलिड। तो उनसे क्या कर, मेरे लिए भी बात चला ना प्लीज। अरे जीत्या, तेरी बात नहीं चलाऊंगा तो क्या अपनी बात दोबारा चलाऊंगा? सच? अरे सच्ची। अरे मींस के माधुरी बहन की वजह से मुझे मेरी कोकिला मिल गई है। मैंने तय कर लिया जीत्या, शादी करूंगा तो कोकिला से करूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.